कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज हम एक बार फिर नए विषय पर बात करने वाले हैं और आज का विषय है शिक्षा का व्यवहारीकरण और भाषा शिक्षण। तो प्यारे बच्चों, हम आज बात करते हैं हिंदी भाषा की। कोई भी विषय जब बच्चा पढ़ता है तो उसके दिमाग में एक पिक्चर होती है कि वह अमुक विषय क्यों पढ़ रहा है। प्यारे बच्चों, जब कोई बच्चा गणित पढ़ता है तो उसे पता है कि उसे इंजीनियरिंग करनी है या जिस भी फील्ड में जाना है उसको मालूम होता है। ऐसे ही मेडिकल विषय लेकर बायो पढ़ने वाला विद्यार्थी ये जानता है कि उसे डॉक्टर बनना है या कोई भी जो काम करना है, उसके दिमाग में पिक्चर होती है कि उसे अमुक काम करना है। लेकिन भाषा शिक्षण का क्या? हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भाषा को हमने स्किल के साथ जोड़ लिया। बच्चा जिस परिस्थिति में रहता है वह वही भाषा बोलता है, लेकिन हमारे यहाँ भाषा को स्किल के साथ जोड़ लिया। इंग्लिश बोलने वाला बच्चा बड़ा सुपीरियर, बड़ा इंटेलिजेंट माना जाता है बजाय कि हिंदी बोलने वाले के। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई बच्चा हिंदी पढ़ता है तो आगे क्या शिक्षक बन सकता है? अगर शिक्षक नहीं तो साहित्यकार, रचनाकार या आलोचक, जो कोई भी विद्यार्थी बनना नहीं चाहता और न ही कोई अभिभावक उसे बनाना चाहते हैं। कई बार बड़ी हैरानी होती है जब बच्चे पेपर में निबंध और पत्र भी रट्टा मार कर लिखते हैं। ये तो हिंदी भाषा का उद्देश्य नहीं था, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रट कर लिखना कई बार शिक्षक को भी हंसी का पात्र बना देता है। मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र यहाँ करना चाहूँगी। एक बार एक बुढ़िया और उसकी पोती दोनों एक साथ रहती थी। उसके मम्मी पापा कहीं दूर रहते थे, तो बुढ़िया ने अपनी पोती से कहा कि बेटा अपने पापा के पास चिट्ठी लिख दे कि भैंस ने कटिया दी है। पोती ने कहा मुझे नहीं लिखनी आती। बुढ़िया पोती को ले गई पकड़ के मासी जी के पास। मासी जी, यह क्या, ये इतनी बड़ी हो गई और इसे चिट्ठी लिखनी नहीं आती? डॉक्टर मास्टर जी हैरान बोले, सुना बेटा, मैंने सिखाया तो था चिट्ठी लिखना, बताओ चिट्ठी कैसे लिखते हैं। पोती ने सुनाना शुरू किया, सेवा में श्रीमान जी मुख्य अध्यापक कह कह गए, सभी ने निवेदन है कि अब क्या समझे, इसे पोती को चिट्ठी लिखनी आती है या नहीं। अगर मास्टर जी की तरफ से देखें तो बच्चे को चिट्ठी लिखनी आती है, लेकिन दादी की तरफ से लिखें तो बच्चे को चिट्ठी लिखनी नहीं आती। मास्टर जी ने चिट्ठी लिखना सिखाया, बच्चे ने चिट्ठी लिखना तो सीखा, लेकिन अपने विचारों को लिखना नहीं सीखा। उसने जो सर ने लिखवाया उसी को रट्टा मार के याद कर लिया। कुछ हमारे यहाँ परीक्षा की व्यवस्था और मजबूरी भी है कि प्रतिभा या कौशल का आकलन नहीं होता। ये भाषा में भी और अन्य विषय के बारे में भी हम कह सकते हैं, हमारा जो परीक्षा का सिस्टम है वह कौशल का आकलन नहीं करता। बच्चा रट्टा मार कर भी अच्छे अंक ले लेता है बहुत बार। अब बहुत से बच्चे बहुत से विषयों में अभी रिजल्ट आया है 100-100 नंबर, 99 नंबर ले रहे हैं। इसका मतलब वो उस विषय के ज्ञानी हो गए, उस विषय में पारंगत हो गए। 100 नंबर का मतलब यही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो हमारी परीक्षा का सिस्टम, जो एवरेज बच्चे हैं, जो अच्छा रट्टा नहीं मार सकते, जो समझ के काम करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं कष्टदायी जरूर है। अन्यथा होना तो ये चाहिए कि बच्चा जिस विषय में कितनी अच्छे से उसको समझ पाता है, अपने ज्ञान को व्यवहार में कैसे ला पाता है, इसका आकलन होना चाहिए। कितने अच्छे शब्दों में वह अपने विचार व्यक्त कर पाता है। लेकिन विडम्बना ये भी है कि कई बार परीक्षा में झूठ बोलने के नंबर भी मिलते हैं। अगर कोई निबंध परिवार पर लिखने के लिए दिया जाए तो
तो खासकर छोटे बच्चे, 80-90% बच्चे अपने पिताजी को डॉक्टर और माता को अध्यापिका लिखते हैं, क्योंकि बुक में यही लिखा होता है। वो ये नहीं सोचते, नहीं लिखते हैं कि उसके पापा मजदूरी करते हैं या उसकी माँ गृहिणी है। और एक बात, परीक्षा में मान लो दिवाली पर निबंध लिखना आता है और एक मुस्लिम बच्चा जो दिवाली नहीं मनाता और वह लिख दे, सच्चाई लिख दे कि वह हिंदुओं का त्यौहार है दिवाली और मैं इस त्यौहार को नहीं मनाता, इस दिन मेरे घर पर न मिठाई आती है, न लड़ियाँ लगती हैं और न ही हम नए कपड़े पहनते हैं, तो शायद ही कोई अध्यापक नंबर दे। यद्यपि परीक्षा थी, बच्चे को अपने भावों को शब्दों में पिरोना आता है या नहीं, वह वाक्य विन्यास जानता है या नहीं, उसके पास शब्द भंडार है या नहीं, तो हमारा भाषा पढ़ाने का उद्देश्य ज़्यादा स्पष्ट होता है। इसलिए शायद हम कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण अन्य विषय की अपेक्षा बहुत ऊपर की चीज़ है, इसका आकलन भी अलग तरीके से होना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे साहित्यकार, अच्छे रचनाकार बने और हमारे साहित्य समृद्ध हो। आज हम देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य पढ़ने वाले दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा साहित्य लिखने वाले भी दिनों दिन कम होते रहे। भाषा शिक्षण का सिस्टम हमें बदलना होगा, भाषा की परीक्षा का, उसके आकलन का सिस्टम हमें बदलना होगा, तभी बच्चे अच्छा लिखने के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे। रट्टा मारना मेरे ख्याल से भाषा शिक्षण में ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारी भाषा के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। शिक्षा को का व्यवहारीकरण जरूर आए, बच्चा रट करना लिखे, सोच समझ कर अपने विचारों को पिरोए और परीक्षा भी उसी प्रकार ले जाए ताकि शिक्षक भी उसी प्रकार पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हों और बच्चे भी उसी प्रकार से सीखने के लिए प्रोत्साहित हों। अच्छा बच्चों, चलती हूँ, एक बार फिर मिलेंगे एक नए विषय पर बात करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।